दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं बांग्लादेश और इंडिया के बीच में होने वाले फर्स्ट ओडीआई मैच का। तो अगर हम लोग फर्स्ट ओडीआई मैच की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ओडीआई मैच होगा, ये तीन मैचों का जो है वो सीरीज है। तीन जो है ओडीआई मैच होने वाले हैं और दो जो है वो टेस्ट होंगे, और ये जो सीरीज है इंडिया का जो है वो टूर है बांग्लादेश का। तब यहाँ पर जो है इससे बहुत सारे जो है पॉजिटिव न्यूज़ भी आ सकते हैं, बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ आ सकते हैं। हम सबको जो है एक एक करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी तक जो है आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़ना चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में आप बहुत इस तरीके से एक प्रोफाइल उठा सको, तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर आपको जुड़ जाना है। और साथ में आप कॉल पर डिस्कस करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो और एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्रोफाइल उठाने की जर्नी है ये जो है आप शुरुआत कर सकते हो। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो मैच होने वाला है फर्स्ट ओडीआई मैच होगा, संडे को जो है वो स्टार्ट होगा, और ये जो देखने मिलेगा आपको 12:30 इंडियन नेशनल टाइमिंग के हिसाब से, और ये जो है आपको शेरे नेशनल बांग्ला स्टेडियम पे जो है वो आपको देखने को मिलेगा ढाका में। और ढाका को जो ये है ये काफ़ी इंटरनेशनल ग्राउंड है, और इनका जो है ये सबसे ख्याति प्राप्त जो है वो ग्राउंड आप कह सकते हो इसके बारे में। अब इसके बारे में हम लोग बात करें तो अभी जिस तरह का जो ये ग्राउंड बिहेव कर रहा है, पहले शुरुआत में जो ग्राउंड देखोगे तो बहुत बढ़िया जो है बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड जो है वो देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी जिस तरह का ये ग्राउंड चल रहा है उसके हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे जो भी टीमें जो है विजिट करती है तो बांग्लादेश जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिनर फ्रेंडली जो है वो पिचेज बनवाता है। लेकिन इसका फ़ायदा जो है अगर कोई जो है देखोगे कि अगर जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम आ रही है, न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, फिर कोई और टीम आ रही है जो स्पिन बहुत बढ़िया तरीके से खेल नहीं पाती है, फिर स्पिनर के लिए जो है यहाँ पे एक अच्छे तरीके से जो है वो बढ़िया से जो है नहीं कर पाती परफॉर्मेंस, उनके लिए जो है यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, या फिर अफगानिस्तान हो गया, तो इनके पास देखोगे तो स्पिनर खेलने की कैपेबिलिटी है, और स्पिनर भी जो है बहुत अच्छे अच्छे स्पिनर हैं, तो जिसके चलते ये जो है बहुत अच्छा सा जो है यहाँ पर आपको स्कोर करते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो अगर ये पिच जो है वो बॉलिंग फ्रेंडली रहता है तो ये केवल पलड़ा जो है वो आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि केवल जो है ये आपको देखने को मिलेगा कि इससे जो है वो जो बांग्लादेश है उसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि बाकी कंट्री में जो देखोगे तो बहुत अच्छे अच्छे जो है बॉलर हैं, वहाँ भी जो है इनका इम्पैक्ट जो है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे हाईएस्ट रन देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है वो 370 के आसपास है, और अगर हम बैट्समैन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो बैट्समैन के लिए थोड़ा सा जो है वो ट्रिक होना बहुत ही जरूरी है। बॉलर में जो है फास्ट बॉलर को भी जो है मदद मिलता है, जो मीडियम फास्ट उनको और अच्छा मदद मिलता है जो गति में वेरिएशन करते हैं, और स्पिनर को जो इस ग्राउंड पर काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। लेकिन कि ग्राउंड जो है वो छोटा जरूर है, ये लोएस्ट रन देखोगे यहाँ पे तो जो है 58 है, और लास्ट 10 मैच में आप देखोगे तो 5 चेस हुआ है, 5 जो है वो डिफेंड हुआ है। जिस तरह का ग्राउंड है उसके हिसाब से जो है यहाँ पे अनइक्वल कंडीशन रहता है। अगर रन थोड़ा सा अच्छा बन गया तो यहाँ पे जो है आप देखोगे तो अगर रन अच्छा बन जाता है तो डिफेंड होने के चांसेस बन जाते हैं, और रन जो है थोड़ा सा कम बनता है तो चेस होने के चांसेस भी जो है वो ज़्यादा रहता है। इसके अलावा बात करते हैं ओडीआई में, यहाँ पर देखोगे काफ़ी ज़्यादा मैचेज हो रखे हैं, टोटल 112 मैचेज हो रखे हैं, और 112 मैच में 229 का जो है वो एवरेज होना ये दर्शाता है कि यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो आप देखोगे किसी मैच का, अगर 80-80 टीमें हैं तो आप देख सकते हो कि 250 से ऊपर जो है आपको जरूर दिखाई दे सकता है। इसके अलावा बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट बैट जो है 53 जीता है, और सेकंड बैट जो है 69 जीता है, और फर्स्ट बैट एवरेज आप देखोगे यहाँ पे जो हाईएस्ट है वो है 370 जो कि इंडिया ने बनाया था, और लोवेस्ट जो है वो 58 है जो कि बांग्लादेश ने बनाया था। तो इसे ये दर्शाता है कि यहाँ पे जो है वो देखो ना ज़्यादा जो है वो आसान है बैटिंग करना, और ना ही ज़्यादा जो है वो मुश्किल है। यहाँ पे बस है अपने आप को जो है चाहे बैट्समैन हो बॉलर हो उसको संभालना है, और जो भी अपने आप को यहाँ पे संभालेगा एक अच्छा सा जो है बेनिफिट यहाँ पे इस ग्राउंड का लिया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे जो एवरेज जो स्कोरिंग पैटर्न है आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि 150 से 200 से 250 के बीच में जो है 38 स्कोर है, जो कि ये जो है एक एवरेज एरिया वाला जोन है, तो इसी एरिया के बीच में जो आपको रन दिख सकता है। और यहाँ पे जो है आप 200 से 300 के बीच में देखोगे तो 31 स्कोर है, जो कि ये बताता है कि काफ़ी अच्छा जो है स्कोरिंग हो सकता है। लेकिन उसके अलावा आप देखोगे 200 से नीचे भी जो है यहाँ पे 31 स्कोर बने हैं, तो ये भी बताता है कि यहाँ पे जो है बॉलिंग जो है काफ़ी इंपैक्टफुल हो सकता है। लेकिन 300 से ऊपर जो है आप देखोगे टोटल 100 मैच में जो है वो आपको 100 से ज़्यादा मैचेज हो, उसमें सिर्फ 12 स्कोर जो है 300 से ऊपर है, यानी कि 300 से ऊपर यहाँ पे जो है वो स्कोर करना थोड़ा सा जो है वो कठिन काम जरूर है। लेकिन जब स्कोर हो जाता होगा तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि उसको जो है डिफेंड किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं वेदर फोरकास्ट का, तो टेम्परेचर जिस तरह से इंडिया में उसी तरह का टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 12 से 15 डिग्री के आसपास है, और बारिश के चांसेस जो है 20% के आसपास है। लेकिन बारिश के चांसेस जो है वो जैसे अभी जो है देखोगे ठंड के मौसम में लगता है कि बारिश होगा, लेकिन बारिश जो है जल्दी से होता नहीं है, वो सीनरी जो यहाँ पर बना रहेगा। टॉस की बात करते हैं यहाँ पे, तब देखोगे कि ज़्यादातर चांसेस है बांग्लादेश का जो है टॉस जीत के पहले जो है बैटिंग करने की कोशिश करेगा। और अगर हम टीम न्यूज़ की बात करते हैं तो टीम न्यूज़ में जो है ज़्यादा कोई बदलाव तो है नहीं, जो प्लेयर जो है वो डिसाइडेड है वही प्लेयर जो है खेलने वाले हैं,
और यहाँ पे अगर मुझसे पर्सनली पूछोगे तो रोहित शर्मा जो है वो इंडिया के लिए कैप्टन करेंगे। और इसके अलावा जो है आप देखोगे तो विकेट कीपिंग में जो है यहाँ पे संजू को भी जो है वो होना चाहिए था, जो कि जिस तरह का ट्रेंड जो है अभी चल रहा है हर जगह, इस अलावा ऋषभ पंत को जो है वो अभी रेस्ट दे देना चाहिए, कि पिछले बहुत सारे मैचेस जो बस घींचे जा रहे हैं और कोई बेनिफिट जो है मिल नहीं रहा। देखो अगर फॉर्म आना होगा तो ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म इंटरनेशनल मैचेस खेलोगे तभी आएगा, आप इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेलोगे डोमेस्टिक भी खेलोगे तो भी जो है अच्छा फॉर्म आ सकता है। तो ज़बरदस्ती का जो है घिंचना जो है वो ज़रूरी नहीं है, और ये काम जो है हम लोग करते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे बांग्लादेश की तरफ से, तो बांग्लादेश की तरफ से अभी आप देखोगे तो फॉर्म में कौन कौन जो है वो अच्छा है। मोहम्मदुल्ला जो है वो ठीक है, लिटन दास का फॉर्म जो है अभी आप देखोगे तो अच्छा जो है लिटन दास का फॉर्म चल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं तमीम इकमाल का भी जो है वो ठीक है, साकिब का फॉर्म जो है अभी उतना अच्छा जो है वो चल नहीं रहा ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। इसके अलावा तस्कीन अहमद का जो है फॉर्म बहुत ही अच्छा चल रहा है, और इनका जब होम ग्राउंड होगा तब देखोगे यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल जो है हो सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे तो मुस्तफ़िज़ुर रहमान का जो है फॉर्म उतना अच्छा नहीं है जितना सा जो है वो भी होना चाहिए था। एबॉट हुसैन का जो है फॉर्म अभी ठीक है, तो आप जो है इनको पिक करके चल सकते हो। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंडिया की तरफ से, तो इंडिया की तरफ से देखोगे तो फॉर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो शिखर धवन का भी जो है फॉर्म अभी अच्छा नहीं है, विराट कोहली का फॉर्म अच्छा है, श्रेयस अय्यर का फॉर्म जो है वो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा लास्ट मैच में हमने देखा कि एक जो है मैच था जिसमें वेस्ट इंडीज इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाला, जिसमें सुंदर का फॉर्म जो है काफ़ी अच्छा चला था। इसके अलावा केएल राहुल का फॉर्म भी जो है वो नहीं है, और इसके अलावा बात करते हैं तो पंत जो है मेरे हिसाब से तो बैठाना नहीं चाहिए, या जो है ईशान किशन को जो है खिलाना चाहिए। इसके अलावा देखोगे तो शार्दुल ठाकुर का भी जो है फॉर्म भी अच्छा नहीं चल रहा है। मोहम्मद शमी, सिराज और चहर को जो है आप पिक करके चल सकते हो, तो बॉलिंग में जो है इनका फॉर्म आपको देखने को मिल सकता है अच्छा खासा, तो ये जो है रहने वाले हैं अभी के सीनरियो में। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिसेंट जो है वो मैचेज अभी हुए हैं, उनमें आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि अगर हम लोग बांग्लादेश की बात करते हैं तो रिसेंट जो है 5 मैचों में से 2-3 जो है जीता है 2 हारा है, और इंडिया के रिसेंट हम लोग 5 मैचों की बात करते हैं तो इंडिया जो है रिसेंट 5 मैचों में से आप देखोगे तो 2 जो है जीता है 1 हारा है, और 2 जो है नॉन रिजल्ट हुआ है जो कि अभी न्यूजीलैंड के साथ जो है वो हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं हेड टू हेड करते हैं इंडिया बांग्लादेश और इंडिया जो है टोटल 36 मैचेस खेल चुके हैं, जिनमें से 5 जो है बांग्लादेश जीता है और 30 मैचेज जो है इंडिया जीता है, और 1 मैच जो है वो इनके बीच में नॉन रिजल्ट हुआ है। इसके अलावा हम बात करते हैं डिविलियम टीम का, अगर ओपन होगा तो हम डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन इससे पहले अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो चाहते कि विनर सेशन इंडिया में आप बहुत इस तरीके से प्रॉफिट उठा सको, तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर आपको जुड़ जाना, और साथ में आप कॉल वीडियो सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो, और एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्रॉफिट उठाने की जर्नी है ये जो है आप शुरुआत कर सकते हो। तो चलिए एक बार देख लेते हैं डिविलियम टीम ओपन हुआ है कि नहीं, अगर ओपन हुआ है तो हम लोग जरूर करेंगे, और उसके बाद से जो है हम लोग वीडियो को करते हैं एंड। इंडिया और बांग्लादेश का जो ड्रीम इलेवन है वो जो है अभी अपडेट हुआ नहीं है, आप देखोगे तो अभी देखो ये 5वां दिन दिखा रहा है, तो अभी तक जो है अपडेट हो जाना चाहिए लेकिन अभी जो है अपडेट हुआ नहीं है, आपको जो है वो देखने को कहीं ऐसे मिल नहीं रहा, तो इसका मतलब जो अभी अपडेट नहीं हुआ है, जैसे ही अपडेट होगा आपको जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा फिर व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, तो आप जुड़ सकते हो। ये देख लो पूरा जो हमने यहाँ पर देख लिया है 5वें दिन से लेकर अगर 3रे दिन तक मैं आपको दिखा देता हूँ, तो अभी जो है ये ओपन हुआ नहीं है, और जैसे ही ओपन होता है तो मैं जो है वो आपको क्या कर देंगे यहाँ पे जो है आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो देखोगे इतना दिन में जो है ओपन हो जाना चाहिए था लेकिन अभी जो है हुआ नहीं है। अगर नहीं हुआ है तो हम लोग जो है अभी कुछ कर नहीं सकते, और ओपन होगा वैसे भी आप 1-2 दिन पहले जो है बना के जो है वो आप इतना कोई बेनिफिशियल तो होगा नहीं, फिर भी अगर जब ओपन होता है तो आप जो है डिस्कस कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो या फिर टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, वहाँ पर जो आपको अपडेट हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।